वेलकम टू पिनाकल कोचिंग। हम कर रहे हैं जीएस मैराथन सीरीज, जिसके अंदर एसएससी, सीजीएल, एचएससी, सीएचएसएल एंड सीपीओ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पिनाकल की इस बुक में मिलेंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही दी गई है। अगर आप ये बुक्स से तैयारी करना चाहते हैं तो इनको आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर सकते हैं, या पिनाकल की वेबसाइट पे जाकर ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के कुछ टॉपिक्स हमने बायोलॉजी सेक्शन से उठाए हैं, तो चलिए वही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं साइंटिफिक नेम्स। तो साइंटिफिक नेम्स कुछ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, काओ, गोट, ग्रे वुल्फ, हेन। और इसका आंसर है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ को कैनिस लूपस बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है ये कैनिस लूपस, और इसको टिम्बर वुल्फ भी कहते हैं, टिम्बर वुल्फ भी कहा जाता है। चलिए बाकियों का भी हम देख लेते हैं, जैसे कि काओ, काओ का आप याद रख लीजिए, बॉस टॉरस, ठीक है, गोट का आप याद रख लीजिए, कैप्रा, अगेरस हिडकस, और हैन का है गैलस डोमेस्टिकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है, कैप्रा एगाग्रस हिरकस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि ये किसका साइंटिफिक नेम है, गोट का। यस, गोट का नाम है ये साइंटिफिक। चलिए आगे है, मेगापेट्रा नोवा इगलियर इज कॉमनली नोन एज किसे कहा जाता है? मेगापेट्रा नावी एंग्ली। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम, अफ्रीकन वाइल्ड कैट, बैम्बली बी, ट्री फ्रॉग, हम बैक वेल। तो ये किसका नाम है? देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं आप, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम बैक वेल दिया हुआ है, बैम्बली बी दिया हुआ है, ट्री फ्रॉग दिया हुआ है, अफ्रीकन वाइल्ड कैट दिया हुआ है। तो इसका आंसर है डी, हम बैक वेल। तो हम बैक वेल जो है उसका साइंटिफिक नेम है मेगापेट्रा नोवेंगली। चलिए ऐसे ही ट्री फ्रॉग, ये फ्रॉग है जो ट्री पर रहता है, इसका साइंटिफिक नेम है हाइला। बैम्बली बी हिंदी में भवरा जिसे बोलते हैं वो है बोम्बस, एंड कैट का है, वाइल्ड कैट का है फैलिस लिबिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पास्टर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज। देखिए यहाँ पे पूछा है, ये चारों के चारों बर्ड्स हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, पैरट, लार्क, स्पैरो, पिजन, इसमें से किसका साइंटिफिक नेम है पैसर डोमेस्टिकस? और आंसर है स्पैरो, स्पैरो को बोलते हैं पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है। इसके अलावा हम और बाकियों का भी देख लेते हैं, जैसे कि पैरट, पैरट का है सिटेसिफॉर्म, PSITACIFORMES, ठीक है। ऐसे ही पीजन का देख लेते हैं, CLU कोलम्बिडे, ठीक है। और लार्क, लार्क का देख लेते हैं, लार्क का है ALAUDIDAE, एलोडिडे, ठीक है। तो ये भी आप साइड बाय साइड याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटैनिकली नोन एज नार्सिसस? इसमें से किस फ्लावर को का नाम, बोटैनिकल नाम जो है वो है नार्सिसस। तो नार्सिसस जो है किसका नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं, रोज, कार्नेशन, लीली, डेफोडिल बोला जाता है इसे। तो रोज का तो जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है रोजा, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। कार्नेशन, लिली एंड
डेफोडिल में से पूछा गया है और इसका आंसर है डेफोडिल। ठीक है, बाकियों का भी आप देख लीजिए, जैसे कि कार्नेशन को बोल दिया जाता बोलते हैं डायएंथस, कारियोफिलस और लिली का है लिलियम। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है मैलस प्यूमिला। मैलस प्यूमिला इज अ बोटैनिकल नेम ऑफ विच ट्री, किस ट्री का बोटैनिकल नेम है मैलस प्यूमिला। ऑप्शन है बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड वाटरमेलन, और इसका आंसर है बी एप्पल। एप्पल को बोला जाता है, एप्पल का नाम है बोटैनिकल नाम मैलस प्यूमिला। चलिए बनाना का देख लीजिए, बनाना का भी पूछा गया है पहले मुसा, ऑरेंज का है सिट्रस एक्स साइनिसिस, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया सिट्रस से, क्योंकि ऑरेंज जो है सिट्रस फूड में फ्रूट्स में आता है। चलिए वाटरमेलन का है सिट्रुलस इयानाटस, ठीक है लेनाटस। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सिट्रुलस, ये देखिए क्वेश्चन आ गया सिट्रुलस इयानाटस इज अ बोटैनिकल नेम ऑफ वाटरमेलन। अभी अभी हम मैंने पीछे ही आपको ऑप्शन से बताया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए बॉस म्यूटस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं, वाइल्ड याक, हॉर्स, ऑक्स एंड बफेलो, तो इसका आंसर है ए वाइल्ड याक। वाइल्ड याक को बोला जाता है, वाइल्ड याक का साइंटिफिक नेम है क्या बॉस म्यूटस। चलिए हॉर्स का देख लेते हैं, हॉर्स का भी पहले पूछा गया है एक बार, हॉर्स का है इक्वेस, ठीक है जहां भी इक्वेस नाम आया समझ जाइए हॉर्स का नाम है। ऑक्स का है बॉस टॉरस एंड बफेलो का है ब्यूबेलस। चलिए देखिए अब नेशनल बर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक, तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम तो पता ही होना चाहिए। अभी फर्स्ट ऑप्शन में ही, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे बर्ड्स के साइंटिफिक नेम की बात हो रही थी वहां पे मैंने आपको ये बताया था सिटैकुला। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंट बर्ड है, ठीक है, और ये आपका पैरट को बोला जाता है, तो पीकॉक तो ये नहीं हुआ। ठीक है चलिए ये पैरट का है, इसका आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं सिटैकुला यूपार्टिया, पावो क्रिस्टेटस एंड यूडानमस स्कोलोपस, जो नाम है यहाँ पे ये एक नाम दिया हुआ है यूडान यनमस स्कोलोपेसियस जो भी है, और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं मोलपैस्टे कैफर, तो इसका आंसर है बी पावो क्रिस्टेटस। तो पावो क्रिस्टेटस जो है वो पीकॉक का साइंटिफिक नेम है। चलिए ऑप्शन सी और डी, जो ऑप्शन सी है ये वाला है एशियन कोल, राइट, और ये वाला जो है ये है रेड वेंटेड, या आप सीधा ऐसे करिए ये इसको बोला, ये है बुलबुल, बुलबुल का नेम है ये, बुलबुल जो बर्ड है उसका नेम है ये। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ऑप्शन बी पावो क्रिस्टेटस जो है वो पिकॉक का साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिए द लाइन टेल्ड मैकाक इज ऑल्सो कॉल्ड, जो लायन टेल्ड मेकॉक होते हैं, मेकॉक मंकी की प्रजाति है, मेकॉक मंकीज जो है उनको बोला जाता है, तो जिनकी टेल जो है वो लॉयन जैसी है वो कौन से हैं, तो ऑप्शन है सिल्वर बेबून, बियर्ड बेबून, ब्लैक बेबून, हॉलर बेबून, और इसका आंसर है बी बियर्ड बेबून। बियर्ड बेबून जो है हिंदी में देख लीजिए बियर्ड लंगूर, लंगूरों को बोला जाता है बेबून, उसका नाम है ये लायन टेल्ड मैकॉक, इसकी जो टेल होती है वो लायन की टेल की जैसे होती है। चलिए ठीक है, कहाँ मिलता है ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, एंडेमिक स्पीशीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कोब्लामाइन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन को कोब्लामाइन भी बोला जाता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो कोब्लामिन बोला जाता है विटामिन B12 को, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा विटामिन के बारे में बता देती हूँ। जो भी जितने भी टोटल कितने विटामिन हैं, सिक्स विटामिन हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से, ए बी सी डी ई एंड के, ठीक है। जो बी और सी हैं, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि ए डी ई के, ये फैट सॉल्यूबल है। तो इतना आपको याद रखना है। बार बार क्वेश्चन जो है TCS पूछ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस पे कि विटामिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं। बाकी साइड बाय साइड इनके फंक्शंस तो हम करते ही रहेंगे कि किसके क्या फंक्शन है, कौन सा किस फ्रूट में मिलता है, राइट। तो ये एक बेसिक आप स्ट्रक्चर विटामिन का देख लीजिए कि टोटल सिक्स है, ए बी सी डी ई एंड के। बी और सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। अगर आप इतना याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली बचे हुए आपको याद हो ही जाएंगे कि जो बचे हुए हैं वो फैट सॉल्यूबल है। फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक आपको बताती हूँ। ये बी सी जो है इनको याद रख लीजिए, छोटे बड़े दो भाई हैं जो कि सबसे घुल मिल जाते हैं वाटर के अंदर बहुत ही ईजिली। तो ये छोटे बड़े वाटर सॉल्यूबल है, बाकी जो है वो फैट सॉल्यूबल है, ठीक है। मैंने तो अपने टाइम में ऐसे ही याद किया हुआ है। चलिए चलते हैं। तो विटामिन B12 जो है वो कोब्लामिन बोलते हैं इसको, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। और जो ये विटामिन है ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉम जेलीज जो है वो कॉमनली उनको कौन से फाइलम में है। एक्चुअली ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, प्लांटिहेलमिंथस, आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा एंड मॉलस्क, ये एनिमल किंगडम के फाइलम्स हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स हैं, 11। तो ये सारे फाइलम्स हैं। तो कॉम जेली इनमें से किस फाइलम का एग्जाम्पल है, किस फाइलम में से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है प्लांटिहेलमिंथस, आर्थ्रोपोडा, टीनोफोरा एंड मॉलस्क। इसका आंसर है टीनोफोरा, ठीक है। तो सारे के सारे आपको फाइलम नहीं करने हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा याद रखना, स्पेशली उनके लिए जिनके पास मेडिकल नहीं थी, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कुछ कुछ फाइलम्स के बारे में पूछा गया है, कुछ कुछ एग्जांपल्स पूछे गए हैं, सिर्फ आप वही याद करते चलिए। अगर रिपीट होगा तो उसी में से रिपीट होगा तो आपको ईजी हो जाएगा करना। तो देखिए आपको यहाँ पर याद हो गया टीनोफोरा में कॉम जेली। जैसे जैसे और आते जाएंगे टीनोफोरा के, हम इसमें ऐड करते रहेंगे। इसके अलावा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ऑर्थोपोडा में सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं, राइट। जैसे कि आपका ग्रास ओपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। मॉलस्क में सारे के सारे कौन से आते हैं, जैसे कि स्नेल हुआ, पाइला हुआ, जो आपने देखा होगा पाइला जो कुछ ही शेप का कैल्शियम स्ट्रक्चर बनाता है अपने ऊपर, शेल जैसा कुछ बना लेता है, वो जो है वो सारे के सारे किसमें, मॉलस्क में है। अच्छा ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस जो है वो भी मॉलस्क फाइलम के अंदर आता है। प्लांटिहेलमिंथस में आता है, स्कैरीज आते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए ये छोटा सा आप याद रखिए, तो अगर इसमें से आता है क्वेश्चन तो आपको करना आसान हो जाएगा, यहाँ मैंने आपको करा लिया। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का बोटैनिकल नेम पूछा गया है। मैंगो का बोटैनिकल नेम काफी बार आ चुका है, ऑप्शन देख लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, कोकस म्यूसीफेरा, मोनून लॉन्गिफोलियम एंड कैसुओरिना, ठीक है। तो इसका आंसर है मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक बोटैनिकल नेम है, ठीक है। इसके अलावा ये कोकस जो है ये कोकोनट को बोला जाता है, कोकोनट है ये, ठीक है। और ये लॉन्गिफोलियम और इसका भी देख लेते हैं हम, ये देखिए
लॉन्गी ये जो है अशोक का ट्री जो है उसको बोला जाता है ये मोनोन लॉन्गीफोलियम। एंड कैसोरिना जो है ये किसका है बोटैनिकल नेम, आयरनवुड ऑस्ट्रेलियन पाइन, ऑस्ट्रेलियन पाइन का बोटैनिकल नेम है। चलिए आगे करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोब्लामीन। तो साइनोकोब्लामीन इसको बोला गया है, कौन सा है, अभी हमने किया है विटामिन B12। अब ये जो विटामिन बी है इसके भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि विटामिन बी आगे देख लेते हैं इसको, देख लीजिए ये, तो इनके साइंटिफिक नेम भी अलग अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, विटामिन 12 को साइनो कोब्लामिन बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरेडॉक्सिन एंड विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल से। इस टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है पर ग्राम, मतलब कि पर वन ग्राम एप्पल में ज़्यादा प्रोटीन है या 1 ग्राम सोयाबीन में या 1 ग्राम वीट में या 1 ग्राम कोकोनट में, तो प्रोटीन पर ग्राम किस में सबसे ज़्यादा है, आंसर है सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा तो एप्पल में क्या है, एप्पल में है एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, एंड फाइबर। वीट में क्या है, वीट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे ही ग्राउंडनट जो है उसमें क्या है, नियासिन जिसे बोलते हैं विटामिन B1, ठीक है, फॉलेट है आयरन को बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड है, थियामिन है, राइट, एंड राइबोफ्लाविन, कोलीन, विटामिन B6 एंड विटामिन ई। तो सारे के सारे विटामिन जो है ज़्यादातर विटामिन ग्राउंड नट में मिलते हैं। चलिए आगे करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड बाय इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस। वो कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह की बीमारी है, इलनेस है, तो वो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है बोन्स, लंग्स, ब्रेन, किडनी, तो इसका आंसर है बोन्स। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियो मीन्स ही बोन है, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, राइट, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन्स में होती है। कैल्शियम की कमी से बोन्स का वीक होना और ईजिली टूट जाना ऑस्टियोपोरोसिस का एक सिम्टम है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ईजिली फ्रैक्चर होने का रिस्क होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। इसमें से किस न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से गोइटर हो जाता है। गोइटर जो है एक डिजीज है जो कि देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन है आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम एंड आयोडीन। आंसर है आयोडीन। देखिए हमारे नेक के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है, राइट, थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनता है थायरोक्सिन। उस थायरोक्सिन हार्मोन को बनने में हेल्प करता है आयोडीन, जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट में होता है, जो हम घरों में फूड में यूज करते हैं अपने खाने में। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हेल्प करता है थायरोक्सिन बनने के लिए। जब हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है फूड में, आयोडीन हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाता, उस टाइम में ये थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बनता। जब ये थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बनता तो ये जो थायराइड ग्लैंड है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है ये फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, एनलार्ज हो जाती है, एनलार्ज होने की वजह से गले में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये किसी का नेक है तो वहाँ पर इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है और इस डिजीज को, इस इलनेस को बोलते हैं गोइटर। ठीक है, तो गोइटर हो गया आपका। चलिए ऐसे ही जैसे जैसे
और विटामिन्स की डेफिशिएंसी आएगी, मैं आपको ऐसे ही डिजीजेस के बारे में एक्सप्लेन करती रहूँगी, जैसे कि आगे विटामिन सी के लिए भी आएगी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी के। ये कहाँ पे होता है? गम्स में, हमारे मुंह में जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें हो जाता है, वो लूज हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं, स्कर्वी। ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, यहाँ पे नहीं होती है मोस्टली। जो बहुत ही लॉन्ग जर्नी पे जाते थे, जो सेलर्स जो समुद्र में जाते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की प्रॉब्लम से होती है, गम्स में होती है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अंदर कैल्शियम का हम कर चुके हैं पीछे, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो रहा था? ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, राइट। ऐसे ही आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस विटामिन से आने वाले हैं, कि विटामिन सिक्स हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से फैट सॉल्युबल हैं। तो यहाँ पे बोला है फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बड़े छोटे निकाल दो आप, विटामिन ए, विटामिन बी और सी निकाल दो, जो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, बड़े छोटे, ठीक है। सी और बी निकाल दिए आपने, तो बच्चे आपके पास ऑप्शन क्या? विटामिन ए एंड विटामिन के और ए, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब क्या पूछा है, कहाँ पे रोल प्ले करता है? ब्लड क्लोटिंग में, बोन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, और रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बॉडी की, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग वाला इसका याद रखिए, ये तीन फंक्शन इसके बस याद रखिए आप, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? प्रोड्यूस करता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन आगे जाके एक थ्रोम्बिन एंजाइम बनाता है, जो कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। जहाँ पे इंजरी हो जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद खून फ्लो होना रुक भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोट बन जाता है, राइट। तो वो जो क्लोटिंग है उसमें हेल्प करता है कौन? विटामिन के। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इसमें से तीन टाइप के हेटरोट्रॉफ्स हैं, होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है, ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब टू प्रोक्योर फूड बनाना या प्राप्त करना ऑर्गेनिज्म के लिए, वो न्यूट्रिशन है। तो इसके टू टाइप्स हैं, राइट। इसमें दो तरह से न्यूट्रिशन जो है वो एक्वायर कर सकती है ऑर्गेनिज्म, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद से खाना बना लेते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो खुद से खाना नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफ्स का बहुत ही सिंपल कॉमन एग्जाम्पल याद रखना, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स में सब आ जाते हैं, प्लांट्स को छोड़ के एनिमल्स आ जाते हैं, हम लोग खुद ह्यूमंस आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में फर्दर तीन तरह की कैटेगरी है, सब डिविजन किया गया है इसका, क्या क्या किया हुआ है? हर्बीवॉर्स नंबर वन, नंबर टू किया हुआ है उसमें कार्निवॉरस, एंड थर्ड क्या हुआ है? ओमनीवॉर्स, ठीक है। ये जो हर्बीवॉर्स है, ये सारे के सारे वो है जो हर्ब्स शर्ब्स घास फूस खाते हैं, जैसे कि कैटल हो गई, शीप हो गई, गोट हो गई, राइट। ये सारे के सारे जो है ये हर्बीवॉर्स हैं। कार्निवॉर्स कौन से हैं? जो कि मीट मांस खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे के सारे कार्निवॉर्स हैं। ओमनीवॉर जो है वो क्या कहते हैं? वो दोनों ही खा लेते हैं, कहते हैं हम तो दोनों ही खा लेंगे, हम घास फूस भी खा लेंगे, हम मीट मांस भी खा लेंगे। इसमें इस कैटेगरी में कौन आते हैं? जैसे कि बियर जो है वो आपके पास शुगर केन भी खा लेता है बियर, भालू, और वो जो है फिश भी खा लेता है। तो दोनों ही चीज़ें खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ओमनीवॉर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, पूछा है
कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, तीन तरह के हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए, हर्बी, कार्नी एंड ओमनी। इनमें से कौन सा जो है वो हेटरोट्रॉफ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंज्यूमर, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स। तो आंसर है कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर जो है एक कॉमन वर्ड है कंज्यूमर, जो कि प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर प्लांट सनलाइट का यूज करके अपना फूड बना रहा है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट जो है वो सनलाइट कंज्यूम कर रहा है या सॉइल से वाटर को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर वो जो भी कोई अगर चीज़ कंज्यूम कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो कंज्यूमर है चाहे, ठीक है, प्लांट भी कंज्यूमर है एक तरह का, क्योंकि वो सनलाइट को कंज्यूम कर रहा है और सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। Which vitamin is prepared by our body in the presence of sunlight? देखिए पूछा है कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में बनता है, प्रिपेयर होता है धूप की सहायता से। तो देख लेते हैं ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में बनता है धूप की हेल्प से, ठीक है। चलिए, सनलाइट के अंदर जो यूवी रेज होती है वो हमारी स्किन से, स्किन में प्रेजेंट जो दूसरे केमिकल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करती हैं और विटामिन डी बनाती हैं। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन डैश फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपने बनना है कि कौन सा विटामिन जो है वो सनलाइट से बनता है, विटामिन डी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। चलिए आगे, चलते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। विटामिन सी इनमें से कौन सा है जो विटामिन सी में रिच है। तो ऑप्शन है हमारे पास सोया मिल्क, एप्पल, आंवला, आंवला और कैरेट। तो आंसर है इसका आंवला। देखिए विटामिन सी सिंपल सी बात है सिट्रस फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी मान लो सिट्रस फ्रूट जो खट्टे हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, माल्टा है, ठीक है, मौसमी, ये सब चीज़ें जो है इनमें होता है विटामिन सी। इवन आंवला जो है वो भी तो थोड़ा सोर होता है, खट्टा ही होता है वो, तो ये भी रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। ऐसे कैरेट जो है ये विटामिन ए का सोर्स है, ठीक है, कैरेट है या पपाया है, इन दोनों में ही विटामिन ए मिलता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फॉर द ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे चीज बननी है डैश इज नेसेसरी, ये चीज बहुत जरूरी है ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। देखिए अभी मैंने पीछे आपको डिटेल में समझाया था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के नीचे मैंने दो लाइन ऐसे खींची थी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ में मैंने एग्जांपल लिया था सबसे सिंपल प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये मोड अपनाते हैं अपना खाना बनाने के लिए, खुद से बना लेते हैं, सनलाइट की हेल्प से बना लिया, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे, आप सिंपल तरीके से मेरी बात समझिए कि एक प्लांट है, ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, इसका आंसर आप खुद देंगे, यहाँ पे रूट्स होती हैं, यहाँ पे लीव्स होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है। तो हमने कहा कि हमें तो इसका आंसर नहीं पता, तो आपने दिमाग लगाया कि चलिए प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या जरूरत होती है प्लांट को, सनलाइट, चलिए एक सनलाइट की जरूरत होगी, ठीक है। सॉइल से क्या ले रहे हैं, वाटर, वाटर की जरूरत होगी, ठीक है। अब क्या बचा, अब हम हमेशा सुनते आए हैं प्लांट्स उगाओ वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमेशा ये सुनते आए हैं। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और दूसरी चीज़ अब तो बहुत ही कॉमनली सबको ही पता है कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, राइट। तो ये क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है उसका ग्रीन कलर, तो ये भी प्लांट का ही एक पार्ट है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर देख लीजिए सब आपके पास है, सनलाइट है, वाटर है क्योंकि वो सॉइल से ले रहा है, क्लोरोफिल है जो पत्तियां हैं ग्रीन कलर की हैं, स्टेम है ग्रीन कलर की है,
किस वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट उगाओ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ये आपको बहुत पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए फिर से आ गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, किस विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। इसमें से किन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। तो देखिए फंजाई ऑटोट्रॉफिक मतलब, फिर से आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं जो खुद से बनाते हैं, अब आपको नहीं पता कौन से बनाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। फंजाई जो है ये जो है किसी भी खाने पे लग जाती है। आप कहते हैं कि ब्रेड को अगर थोड़ी देर बाहर रख गया, भाई इसमें तो ग्रीन कलर की फंगी लगी हुई है, नहीं खाते, आप डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मतलब कि फंगाई तो ब्रेड पे ही, ब्रेड को ही खा रही है, तो ये तो हेटरोट्रॉफ हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं यहाँ मार्क आंसर मार्क नहीं कर रही, यहाँ बता रही हूँ कि ये तो नहीं है पॉसिबल। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है ये प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ जो है ये डिजीजेस कॉज करते हैं ये भी, ठीक है, तो ये भी नहीं होते। वायरस जो है ये भी नहीं है, ऑटोट्रॉफ खुद से खाना नहीं बनाते। अगर वायरस ऐसे होता तो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके डिजीज नहीं करता, राइट। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में दो क्लास होती है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है, ऑटो और हेटरो दोनों ही होते हैं। तो बैक्टीरिया इसका आंसर है, राइट। वायरस नहीं होते, फंजाई भी हेटरो ही माने गए हैं, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ भी है वो भी हेटरो है, लेकिन बैक्टीरिया दोनों है। कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं जिन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो ऑटोट्रॉफ्स की क्लास में डालते हैं, और कुछ ऑटोट्रॉफ्स, कुछ हेटरोट्रॉफ्स हैं, राइट। तो बैक्टीरिया इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने विटामिन का बना हुआ है। विटामिन बी फर्दर सब ग्रुप किया गया है बाकी विटामिन में, सॉरी इसकी भी, कहने का मतलब है कि इसकी भी टाइप्स हैं। तो टोटल है इसकी 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पीछे आपको मैंने दिखाए थे कुछ विटामिन B1 है थियामिन, थायमिन, विटामिन B2 है राइबोफ्लाविन, B3 है नियासिन, B5 है पेंटोथोनिक एसिड, ये है पायरेडॉक्सिन, B6, B7 बायोटीन, B9 है फॉलिक एसिड एंड कोब्लामाइन B12, राइट। तो 8 टाइप्स के हैं। चलिए, व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। वन ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो कितना परसेंट जाती है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है देख लेते हैं। देखिए प्लांट जो है या ग्रास जो है उसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल माना गया है, फर्स्ट है, T1 लिख देती हूँ इसको मैं, राइट। तो इसको मैं T1 लिख देती हूँ, ग्रास, ठीक है। यहाँ से ग्रास को कौन खाता है, शीप, लेट शीप खा लेती है, ठीक है। तो ये हो गया T2 एंड थर्ड हो गया हमारे पास ये सपोज लॉयन हो गया, ये हो गया T3। तो ये ट्रॉफिक लेवल हो गए, ठीक है। ग्रास ने, प्लांट ने सनलाइट का यूज करके खाना बनाया, लेट से कि 1000 यूनिट बनाया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितनी पास हो जाती है, जब शीप उसे खाती है तो उसको उस 1000 का कितना मिलता है, सिर्फ 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया, हाँ 1000 है, तो इसको कितना मिला 100 और इसको कितना मिला 10। तो सिर्फ 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, और लेकिन बाकी का, बाकी एनर्जी का क्या होता है, बाकी एनर्जी यूज हो जाती है उनकी बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में, राइट। तो सिर्फ 10% जाती है, बाकी 90% जो है
वो उनके मोशन मोशन करने में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में ही चली जाती है, राइट। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब कि सबसे ज्यादा बर्न होने पे, खर्च होने पे इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। तो ऑप्शन है विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट एंड रफेज। तो आंसर है फैट। देखिए रफेज तो देगा ही नहीं, रफेज का काम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथनेस करना होता है और इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। विटामिन्स बहुत कम, विटामिन्स भी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं बट एनर्जी का सोर्स नहीं है। प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन देता है? फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन प्रोटीन्स, राइट। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे जल्दी बर्न कौन होता है, सबसे जल्दी खर्च कौन होता है? सबसे जल्दी खर्च होते हैं प्रोटीन्स, देन कार्ब, देन फैट्स, ठीक है। लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? फैट। जो फैट्स हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देते हैं। चलिए, सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग। आई होप कि पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको इतना अच्छे से विटामिन समझाए हैं कि आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। विटामिन के, डी, सी, ए। तो यहाँ पे आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी एंड विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। चलिए ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना हुआ है, कितने सारे विटामिन है इसके अंदर? एट है टोटल, राइट। चलिए ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए फिर आ गया विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से है? सी। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमीनो एसिड्स। देखिए जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड की चेन से बने होते हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, राइट। ये अमाइनो एसिड्स की चेन है, ठीक है। अमाइनो एसिड की चेन जो है वो एक प्रोटीन होती है। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड है। इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। या आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स की प्रोटीन्स अगर टूटेंगे तो उसका फर्दर क्या आपको फॉर्म मिलेगा? प्रोटीन्स टूट के क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, राइट। चलिए आगे करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर फन रेफर टू अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। देखिए पूछ लिया गया, अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटीन्स टूटेंगे तो अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स निकलेंगे, अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पूछ लिया गया है कि अमाइनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। चलिए विटामिन बी 12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन। विटामिन बी 12 जनरली किसमें प्रेजेंट नहीं होता? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मिल्क प्रोडक्ट, प्लांट फूड, फिश प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो ये है प्लांट फूड। प्लांट फूड में नहीं होता है ज़्यादातर, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, फिश प्रोडक्ट्स में और मिल्क में, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन बी 12। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डज द ब्रेन गेट एनर्जी। इसमें से ब्रेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? ब्रेन इनमें से क्या चीज कंज्यूम करता है एज अ एनर्जी लेने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो इसका आंसर है ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड कैसे हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड तो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए। ब्रेन अपना ही डीएनए आरएनए थोड़ी ना कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो डीएनए आरएनए नहीं हो सकता, न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकता, फैटी एसिड नहीं होता है, अमाइनो एसिड्स भी नहीं होता है, ग्लूकोज होता है सबसे जल्दी कंज्यूम होने वाला, सबसे ब्रेन जो है सबसे फास्ट, जो फास्ट एनर्जी उसको चाहिए तो उसको सीधा वो ग्लूकोज ही लेता है, राइट। ग्लूकोज को कंज्यूम करता है वो। चलिए
चलिए आगे, ठीक है। स्टार्च एंड शुगर इन आर फूड आर फॉर्म ऑफ, स्टार्च और शुगर जो है हमारे फूड में जो प्रेजेंट है वो किसका फॉर्म है, प्रोटीन्स का, फैट का, विटामिन्स का, या कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है। स्टार्च एंड शुगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के ही फॉर्म है। चलिए चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, When the breakdown of food, यानी कि glucose, occurs without the use of oxygen, it is called aerobic respiration, cellular respiration, capillary respiration, या फिर उसे कहते हैं anaerobic respiration। देखिए, जो breakdown of food है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मतलब कि without the use of oxygen, इसका answer है anaerobic respiration। दो तरह के respiration होते हैं, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक से याद रखिए एयर, जहां पे एयर है जहां पे ऑक्सीजन है, और इसी के आगे अगर मैंने एन लगा दिया, एन लगा दिया है, तो एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ओ2, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर फॉर्म में, मतलब कि एक सिंगल सेल के अंदर फूड और ऑक्सीजन का मिलके जो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। कैपिलरी रेस्पिरेशन यहाँ पे किसको बोला गया है, हार्ट की जो कैपिलरीज है या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे जो चीज़ है जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसको बोल रहे हैं वो कैपिलरी रेस्पिरेशन, राइट। ठीक है, चलिए, ठीक है, वहां पर हो रही है कैपिलरी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है, एरोबिक और एनारोबिक पूछा है तो आप उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन में आती रहेगी मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शंस को, टफ ऑप्शंस को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मतलब क्लैरिटी नहीं रहेगी दिमाग में। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करता है, बाहर ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, टिक्स, लीचेस, यीस्ट, लाइस, ठीक है। तो देखिए टिक्स क्या है, जो टिक्स जो आपके एनिमल्स की स्किन पे लगे रहते हैं टिक्स, वो टिक्स है, ठीक है। लीचेस तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड को, डायरेक्ट ही स्किन से ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीचेस, लीचेस भी आपको पता है कि माउंटेन हिली एरिया पे जो है बहुत ईजिली मिल जाते हैं, इधर सिक्किम शिलोंग की साइड में, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, स्किन पे अटैच हो जाते हैं और अपने सकिंग ऑर्गन से ब्लड को सक कर लेते हैं। तो ये भी अपने फूड को, जो उनका ब्लड है, बाहर तो नहीं लेके आ रहे, अंदर ही सक कर रहे हैं, ठीक है। लाइस, जुए जो सरों में होती हैं, वो भी अपने ऑर्गन से ब्लड सक कर लेती हैं। तो ऑप्शन आता है यीस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप एलिमिनेशन से दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि लिस्ट का क्या, सॉरी यीस्ट का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो जो यीस्ट है ये क्या करते हैं, ये अपने फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये किन कैटेगरी में आते हैं, सेप्रोफाइट्स मिलते हैं, बोलते हैं इनको। तो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो लग जाती है मोल्ड ग्रीन कलर की, वो भी सेप्रोफिटिक बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मशरूम जो है वो भी सेप्रोफाइट्स हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, अपने फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज, यहाँ पे भरना है क्या सिंथेसाइज करते हैं, विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो खाना अपना खुद बनाती हैं प्लांट्स, ठीक है। तो किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। क्या यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और क्लोरोफिल तो उनके पास है, ठीक है। और बनाते क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, वो बनाते हैं ग्लूकोज। तो ये आपको याद रखना है कि वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है।
चलें. नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. उस टिश्यू का नाम बताना है जो प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं. पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्केलेरेन्काइमा. अब ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार आने वाला है तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, ये सॉइल हो गया और ये आपकी यहाँ पे रूट्स हो गए, ठीक है, और अगर मैं आगे इसको इंक्रीज करूँ तो यहाँ पर लीफ हो गई. ठीक है, तो प्लांट के पास मेन दो तरह के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मतलब दो तरह का है, उसमें दो तरह के टिश्यूज हैं. जाइलम, हमेशा याद रखना, जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम है वो करता है फूड बनाने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो फूड कौन बना रहा है? लीफ. लीफ से जब पूरी बॉडी में, पूरी प्लांट की बॉडी में जा रहा है फूड, तो वो कौन सा टिश्यू लेके जाएगा? फ्लोएम टिश्यू लेके जाएगा. ठीक है, जब सारे के सारा जो वाटर एंड मिनरल रूट से ऊपर की तरफ जाएगा ना, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कौन सा टिश्यू लेके जाएगा? जाइलम टिश्यू. तो जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स को पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू टिप, नीचे से रूट से टिप की तरफ. और जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड को, फूड कहाँ बनेगा? लीव्स में बनेगा, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो है वहाँ पे बनेगा. वहाँ से वो सारे से के सारे प्लांट की दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करेगा. किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू. तो फ्लोएम एंड जाइलम, ये दो चीज़ें आप रख लीजिए, याद कर लीजिए. जाइलम है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड फ्लोएम है फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए. पैरेन्काइमा और जाइलेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स है, जब आएंगे क्वेश्चन में तब मैं जरूर समझाऊंगी. चलिए चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 41. यहाँ पे आपको क्या बताना है कि द रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज या फ्रक्टोज टू अ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल विदाउट कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम. तो देखिए यहाँ पर ये क्या पूछा गया है, कोवलेंट बॉन्डिंग पूछी गई है शुगर एंड प्लस शुगर एंड प्रोटीन में. देखिए शुगर एंड प्रोटीन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ये दो टाइप से होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट, ये दो तरीके से होती है. या तो ये विदाउट एंजाइम के से होगी, विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम, विदाउट एंजाइम होगी, या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होगी, या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होगी. या तो एंजाइम इस बॉन्डिंग को कराएगा या एंजाइम नहीं कराएगा. अगर एंजाइम नहीं करा रहा है तो उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेशन. मैं इसको फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे. देखिए ये जो बॉन्डिंग है ये दो तरह की है, विदाउट कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम, बिना एंजाइम के है तो उसे कह रहे हैं ग्लाइकेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. अगर यहां पर मैं विदाउट की जगह विद लिखती तो आपका आंसर हो जाता ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको देंगे, बस विदाउट की जगह विद लिख देंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड प्रोटीन जो होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन. तो एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम क्या बोलते हैं, जो पूछा गया है, ग्लाइकेशन. तो ग्लाइकेशन का दूसरा नाम हुआ नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं. ठीक है, चलिए बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने अभी पीछे समझाया. सेलुलर लेवल पे जो फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है, रेस्पिरेशन जो हो रही है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन. फॉस्फोराइलेशन और पाइरूवेट ऑक्सीडेशन जब क्वेश्चन में आगे आएंगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगी, अभी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. चलिए आगे,
देखिए, और इसमें और चीज़ एक कर सकते हैं, ग्लाइकेशन जो है ये होती है किसमें, डिजीजेस के वक्त होती है बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये एक, ठीक है। ये जब कोई डिजीज हो जाती है उस वक्त होती है बॉडी में, या फिर किसी को टाइप बी डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज मिलिटस जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे बॉडी में होती है। जबकि ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर है बॉडी का, जो कि काम आता है किस लिए, फंक्शनिंग ऑफ मैच्योर प्रोटीन, प्रोटीन को मैच्योर करने के वक्त जो है वो काम आता है ये प्रोसेस। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कोवलेंट बॉन्डिंग है शुगर और प्रोटीन के बीच में, अगर वो एंजाइम की हेल्प से हो रही है तो उसे बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन, लेकिन वो अगर वो एंजाइम की हेल्प से नहीं हो रही है तो उसे बोल रहे हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन ग्लाइकेशन को हम और भी एक नाम दे देते हैं, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है। जब भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसे क्या चाहिए, पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए, ठीक है, जमीन से, सॉइल से वाटर चाहिए उसको, ठीक है, हवा से क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और उसके खुद के पास क्या है, क्लोरोफिल है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है कि इन, ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें से किस ऑप्शन में इन चारों में से कुछ है। तो ऑप्शन है आपके पास सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन ऑप्शन डी है कैडमियम। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन प्लांट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आना था इसीलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम के बारे में एक पहले क्वेश्चन आ चुका है जो वाटर एंड मिनरल करते हैं, यहाँ पूछा है फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम करता है क्या ट्रांसपोर्ट, बता दीजिए सब, फूड, राइट, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्लोएम। एंड वाटर एंड मिनरल्स दोनों के दोनों कौन करता है, जाइलम, ठीक है, ऑक्सीजन तो वो ले ही रहा है अपने स्टोमेटा से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, विच प्रोसेस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स, इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो प्लांट के अंदर मिनरल्स और वाटर की अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्टेम है और ये हमारे पास यहाँ पे बहुत से रूट्स हैं, तो रूट से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट इसको बोल रहे हैं कि प्लांट वाटर एंड मिनरल की अपवर्ड मूवमेंट जो है इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सेडिमेंटेशन, कंडेंसेशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसपिरेशन। देखिए सेडिमेंटेशन क्या है, अरे एक बीकर के अंदर अगर वाटर है उसमें मैंने सैंड डाल के उसको स्टिर कर दिया, हिला दिया, तो थोड़ी देर बाद सैंड नीचे जम जाएगी, इस प्रोसेस, इस चीज़ को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि सेडिमेंटेशन का एक्चुअल मतलब आपको पता है। कंडेंसेशन क्या है, अगर पानी बॉयल हो रहा है ऊपर मैं एक मेटल की प्लेट रख देती हूँ तो उसके ऊपर वाटर वेपर्स आ जाते हैं क्योंकि जो भाप है वो कंडेंस हो गई, वापस से कंडेंस हो गई, वेपर्स जो है वो कूल डाउन हो गए वाटर वेपर्स, तो ये कंडेंसेशन है, तो ये भी आपको पता है, तो ये तो इससे नहीं मिल रहा मिलता जुलता, ठीक है। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन तो नॉर्मल टर्म है जिसका मतलब होता है कलेक्ट होना, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ऐसे आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इससे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक क्या होता है कि जो एक कैपिलरीज जो होती हैं जिसके अंदर वाटर मूव करता है पानी ऊपर से नीचे की तरफ, उस पे एक पुल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो लीव्स हैं
यहाँ पे कुछ सेल्स, यहाँ से क्या होता है वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट होते रहते हैं एटमोसफेयर के अंदर. तो वाटर वेपर अगर इवेपोरेट होते रहेंगे तो यहाँ पे वाटर की कमी होती रहेगी, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी और रूट से पानी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स यहाँ से इवेपोरेट हो गए, एक पुल, एक खिंचाव क्रिएट हो गया, टेंशन क्रिएट हो गई, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ और पानी नीचे से ऊपर जाने लगा. तो इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ क्या, वाटर एंड मिनरल रूट से लीव्स की तरफ. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट. तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है. राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा थोड़ा सा. ठीक है, तो ये और किस चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट जो है अपना नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करके रखते हैं. ठीक है, चलिए. विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? ठीक है, बार बार मैंने आपको बताया था रूट्स टू लीव्स, तो इसका आंसर आपको पता है, जाइलम. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं लिख देती यहाँ पर इसको काट के फूड, ठीक है, और मिनरल्स तो होता ही ना, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? फ्लोएम हो जाता. राइट, चलिए, तो अभी इसका आंसर क्या है? वाटर एंड जाइलम है, मिनरल है तो जाइलम. फ्लोएम करते हैं फूड. स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स में. लीव्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. ठीक है, और पिथ कुछ नहीं है. पिथ जो है वो अगर हम स्टेम काट के देखेंगे किसी भी प्लांट का, तो उसके अंदर बहुत सारे आपको ये जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे, लेकिन जो इसका सेंटर पार्ट होता है बिल्कुल सेंटर में, उसको पिथ कहते हैं. तो इतना डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको समझा दूंगी. तो चलिए आगे करते हैं. विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? अब वो एनर्जी कन्वर्जन पूछ रहा है कि किससे किस में होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वक्त जब प्लांट अपना खाना बनाती है तो एनर्जी कन्वर्जन किस में होता है? अब आप क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन के लिए? पहले ऑप्शन देख लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी. अब स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ कि प्लांट क्या लेता है, लाइट ले रहा है, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है. किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में. ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी है. राइट, तो लाइट टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. चलिए आगे. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को टू मेक शुगर, ताकि, क्योंकि टू मेक शुगर मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए. राइट, तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. आंसर है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ठीक है, और उस फिर वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है और एंड प्रोडक्ट जो बनता है, जो उसका फूड बनता है, किस फॉर्म में? शुगर की फॉर्म में. ठीक है, स्टार्च ग्रेन जो है वो स्टोर्ड फूड होता है. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऑयल स्टोर करते हैं. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए होता है, कलर के लिए होता है. ठीक है, प्लांट के अंदर. चलिए आगे करते हैं. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड्स आर फुलफिल्ड बाय डैश प्रोसेस. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन और एनर्जी रिलेटेड नीड्स जो हैं वो कैसे फुलफिल होगी? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उसको कार्बन और एनर्जी चाहिए, तो वो कौन से प्रोसेस से लेगा? क्या वो फोटो ऑटोट्रॉफ से लेगा, या फोटोसिंथेसिस से, या हाइबरनेशन से, या बायोसिंथेसिस से? तो आंसर है फोटोसिंथेसिस. फोटो ऑटोट्रॉफ्स मत करिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. राइट, क्योंकि जब भी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए तो अपने दिमाग पे हमेशा इमेज बनाइएगा प्लांट का. ठीक है, और प्लांट में देखिएगा क्या होता है, प्लांट में कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस होता है. चलिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड बाय रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो ATP क्या है? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
ये आपको शायद कभी फुल फॉर्म आ जाए, बट देखते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को भी फर्दर जो है टूट के जो फाइनल जो एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की, वो होती है एटीपी, राइट। ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज यूज करते हैं, ग्लूकोज को भी फर्दर ब्रेक डाउन करके एटीपी को यूज करता है फॉर द अपनी जो है एक्टिविटी करने के लिए। तो एक्चुअल में एटीपी जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है। यहाँ पे ये बोला गया है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर टूटेगा, अगर ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन के वक्त, तो वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट करेगा। तो आंसर है 2 ATPs, ठीक है। अब यहाँ से एक सिंपल आप समझिए कॉन्सेप्ट को, अगर एक ग्लूकोज 2 ATP रिलीज कर रहा है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं कि 2 ग्लूकोज कितने एटीपी जनरेट करेगा, तो अगर आपको ये याद है कि 1 2 करता है तो 2 4 करेगा। अगर मैं क्वेश्चन में कल को आपको दे दूं या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म ने खर्च करे, तो कितने एटीपी जनरेट हुए, तो बताइए कितने हो गए, 8 ATP, राइट। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन में यहाँ अगर 2 कर दूंगी तो 4 ATPs आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब इसमें से नीचे दिए गए कुछ फंक्शंस हैं, नीचे ऑप्शन में आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है प्लांट का रूट सिस्टम नहीं करता, प्लांट का रूट जो है इन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें से किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो अगर ये प्लांट है और ये रूट है तो पानी तो नीचे से चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को तो एब्जॉर्ब वो कर रहा है, राइट, तो ये तो फंक्शन है। वाटर को भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। प्लांट को अपनी जगह पर एंकर करके भी रख रहा है, जुड़े हुए भी रख रहा है उसको, तो ये भी फंक्शन है। सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट्स, क्या रूट जो है वो फूड को सप्लाई कर रहा है, नहीं, ठीक है। फूड को सप्लाई कौन कर रहे हैं, फूड तो लीव्स में बन रहा है, ठीक है। फूड अगर लीव्स में बन रहा है तो फूड जो है लीव से रूट की तरफ जाएगा, ठीक है, लीव से रूट की तरफ और बाकी प्लांट्स बाकी पार्ट्स में जाएगा, बट रूट से लीव की तरफ नहीं जाता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, राइट। चलिए, तो ये थे आज के 50 questions बायोलॉजी से। तो अगर आप अपनी तैयारी और अच्छा करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, और मॉक टेस्ट के लिए पिनाकल की वेबसाइट पे जाके वहाँ का टेस्ट पोर्टल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।